फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12X Android मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे फोन पे जब भी इनकमिंग कॉल आता है तो रिंगटोन की साउंड की आवाज़ तो आती है लेकिन इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता है। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना ये है, सबसे पहले आपको अपने फोन का एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन का जो फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब देखिए अगले पेज में सबसे ऊपर आपको इस सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है ना। अब आपको इस वाले पेज में नीचे एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है, एंड्रॉइड सिस्टम, ठीक है। इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको एक क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम करना यह है कि आपको अपने मोबाइल फोन की ना APN सेटिंग को रीसेट करना है। APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। इसमें आपको ये सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको अपने फोन की सिम सेलेक्ट करनी है। अगले पेज में आपको नीचे एक्सेस पॉइंट नेम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे ऊपर ये डॉट का ये जो ऑप्शन है, डॉट पे टैप करना है। आपका ये छोटा पेज आता है, इसमें आपको रीसेट एक्सेस पॉइंट पे टैप करना है। नीचे एक पेज आएगा, इसमें आपको रीसेट एक्सेस पॉइंट पे दोबारा टैप करना है। आपको नीचे थोड़ी देर में लिखा हुआ आ जाता है डिफॉल्ट APN सेटिंग रिस्टोर। इस तरीके से APN सेटिंग को एक बार रीसेट करना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने फोन का सिम कार्ड जो है मोबाइल से बाहर निकाल के उसे सिम ट्रे पे दोबारा से अच्छे से लगाना है और फोन के अंदर दोबारा वापस डाल देना है। इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला काम ये करना है मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।